सागर की बीना जंक्शन से झांसी के बीच थर्ड लाइन का काम लगभग पूरा हो गया है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 53 किलोमीटर है। रेलवे ट्रैक के तीसरी लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा तो इस रूट पर चीते से भी तेज रेलगाड़ियों की रफ्तार होगी। बीना झांसी थर्ड लाइन की खूबसूरत तस्वीरें रेल मंत्रालय ने शेयर की है। साथ ही लिखा है कि इसके पूरे होने के बाद बुंदेलखंड को एक नई गति मिलेगी, साथ ही ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। अटकलें हैं कि दिसंबर तक झांसी बीना रेल मार्ग पर तीसरी लाइन का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे यात्रियों को गंतव्य तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। यह तीसरी लाइन धौलपुर बीना रेल मार्ग का हिस्सा है, जिसके कुल लंबाई 316 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर 4,869 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अभी तक ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और सिर्फ 33 किलोमीटर लाइन बिछानी बाकी है। बीना से झांसी तक 153 किलोमीटर है। इस नई लाइन के शुरू होने के कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। इससे झांसी से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के बीच में दूसरी ट्रेनों के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों से गुजरने वाली ट्रेनें सरपट दौड़ेंगी। रेलवे का कहना है कि इस ट्रैक पर जब गाड़ियां चलने लगेंगी तो ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी। बुंदेलखंड को इससे फायदा होगा। साथ ही जब तीसरी लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो गाड़ियां भी निर्धारित समय से चलने लगेंगी। इससे लोगों का समय भी बचेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में रेलवे अपने ट्रैक के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। अलग अलग रूट पर तीसरी लाइन के काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रही परियोजना के लिए रेलवे ने इस बजट में फंड का भी प्रावधान किया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।